हेलो दोस्तों, आज मैं रेसिपी देने जा रहा हूँ बैंगन फ्राई। और बिल्कुल यूनिक स्टाइल से मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि ये खाने के लिए स्वाद होता है मेरा फ्रेंड्स। खाना का साथ खाओ या रोटी का साथ खाओ, इस रेसिपी मज़ा ही कुछ और है मेरा फ्रेंड्स। और बहुत इजी रेसिपी है, सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने दो बड़ा साइज का बैंगन लिया है, और बैंगन का ऊपर पर मैंने मीठा तेल जो होता है ना, वो मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि मीठा तेल ऐड करने से जब जलाने का टाइम पर अच्छी तरह से कुक होता है। और देखिए, मैंने आगुन जला के मैंने दो बैंगन को ऐड कर दिया, और दो बैंगन मेरा अच्छी तरह से आगुन पर फ्राई हो गया है। और अभी जो ऊपर वाला जो लेयर है ना, वो निकाल के फेंक देना है। देखिए, बहुत स्वाद होता है मेरा फ्रेंड्स इस रेसिपी। और अभी छोटा छोटा करके कद्दूकस कर लेना है। और देखिए, मैंने कद्दूकस अच्छी तरह से कर लिया। इस तरह मैंने अदरक लहसुन और प्याज काट के मैंने रखा था, उसी पर मैंने बैंगन को ऐड कर दिया। और अभी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक, बस इतना ही मसाला चाहिए। और अच्छी तरह से अभी सेट करना है। लास्ट टाइम पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, और थोड़ा सा बेसन ऐड करना है, क्योंकि बेसन ऐड करने से टाइट होता है ना, बैंगन पर जो पानी रहता है वो टाइट हो जाता है। सो मैंने एक तवा पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल गर्म होने के बाद 1 by 1 करके ऐड करना है तवा पर। और देखिए, मैंने सारा पकौड़ा को मैंने ऐड कर दिया। एक हिसाब से बैंगन पकौड़ा भी कहा जाता है इस रेसिपी। और 1 by 1 करके पलटी करना है। और देखिए, मैंने 1 by 1 करके पलटी कर लिया। और मेरा कुक हो गया है, और थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह से कुक होने से खाने के लिए स्वाद होता है मेरा फ्रेंड्स। और अच्छी तरह से मेरा कुक हो गया है, अभी मैं 1 by 1 करके बाहर निकल दूंगी। बस अभी सॉल्व कर सकता है मेरा फ्रेंड्स। ज़्यादा हार्ड वाला रेसिपी नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है। और देखिए, टोमेटो सॉस का साथ में सॉल्व कर रहा था, सो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के पास भी मैं ये रेसिपी शेयर करूँ। देखिए, मैं टोमेटो सॉस का साथ खाया था, अगर आप लोग राइस का साथ भी खा सकते हैं मेरा फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी कुकिंग रहता ही है, लेकिन तब भी मैं दिखा दे रहा हूँ अंदर तक अच्छी तरह से कुक हुआ है। और आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय आयो होम।